हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे तरह का बिजनेस होता है। कई लोग चेन सिस्टम उसको बोलते हैं, समझ समझ की भी बात है। कई लोग बोलते हैं धोखे वाली कंपनी है, पैसा लेके भाग जाएगी, ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग है आप मार्केटिंग करते हो अपने नेटवर्क में या नेटवर्क में अपने सोशल सर्कल में, और अपना सोशल सर्कल बढ़ाते चले जाते हो। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब मार्केटिंग और सेल फर्क है। सेल क्या है? आपने किसी को सामान दिया। बट मार्केटिंग क्या है? आपने किसी को सामान के बारे में बताया। तो मार्केटिंग और सेल फर्क है। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, सेल उसका एक पार्ट है। हम मार्केटिंग करते हैं इसलिए कि सेल हो जाए, बट सेल सिर्फ मार्केटिंग नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं करनी। हमें नेटवर्क में मार्केटिंग करनी है, जो हम ऑलरेडी भी करते हैं। यानी कि हम किसी को बताते हैं वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो टीचर बहुत अच्छी है, वो स्कूल बहुत अच्छा है, वो बुटीक वाली, वो पार्लर वाली। हम वैसे भी लोगों को बताते रहते हैं, मार्केटिंग करते रहते हैं दूसरों की कि वो मार्केटिंग अच्छी है, बट हमें उसके पैसे कोई नहीं देता। हमें बुटीक वाली ने कभी नहीं कहा तूने 4 कस्टमर लिए, एक सूट ले जा। पार्लर वाली ने भी शायद कभी नहीं कहा होगा आज तेरे बाल मैं फ्री कलर कर दूं। एनीवेज, तो नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली आपको अपने सोशल नेटवर्क में जिनको आप जानते हो उसमें मार्केटिंग करनी होती है प्रोडक्ट की, जिसको आपने इस्तेमाल किया है उसी से आपको बिजनेस आती है, जो एक आपको इनकम दिलाती है, जो अगर आप उसमें टाइम देते जाते हो, मेहनत करते जाते हो तो पैसे हो जाती है। पैसे इनकम मतलब आपने आज घर बनाया, मेहनत करी, पैसे लगाए, खरीदा और उसको किराए पे चढ़ा दिया, आपका दूसरा घर, तो उस घर से जो किराया आ रहा है वो पैसे इनकम हो गई, जो आपको आज आपने कर दिया बट जिंदगी भर आपको इनकम आती है। तो सेम वे नेटवर्क मार्केटिंग में आप आज करते हो मेहनत, आज काम कर रहे हो, आपको जो अपने नेटवर्क से इनकम आएगी वो आती ही रहेगी। बट आप ये सोचो कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे को बहुत सारे पैसे आसानी से आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा और डिसिप्लिन से टाइम देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनियां मार्केटिंग में, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, इंडिया में भी बहुत सारी हैं। कुछ फ्रॉड कंपनियां भी इसमें आ जाती हैं, पैसा लेती हैं और भाग जाती हैं। तो सबसे पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए कि जितनी भी ऑथराइज कंपनीज हैं वो आपसे पैसा लेके ज्वाइनिंग नहीं कराती। गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बना रखे हैं, आप गूगल भी कर सकते हो उनके बारे में। बट आप किस कंपनी को ज्वाइन करो वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आप किसकी टीम को ज्वाइन करो, क्योंकि आपने मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट को समझ के। प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के अच्छे, हम कैसे कह सकते हैं किसी कंपनी का प्रोडक्ट खराब है हमारा अच्छा है? सारी कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बना रही है तभी वो टिकी रहेगी ना। खराब प्रोडक्ट बनाएगी तो खत्म हो जाएगी वो कंपनी, सेल कहाँ होगा सामान। तो प्रोडक्ट सारे अच्छे हैं बट आपको किसको ज्वाइन करना है, जो आप टीम आपको सपोर्ट करे, आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट करे। तो ये सोचकर आपको ज्वाइनिंग करनी चाहिए कि मैं उस कंपनी को ज्वाइन करूँ जिसमें मेरे को सपोर्ट मिले अपनी अपलाइन से, अपनी टीम से। दूसरा, मैं अपने सोशल नेटवर्क में कैसे काम करूं, मुझे नहीं आता, मुझे बिल्कुल मार्केटिंग नहीं आती, बात करनी नहीं आती, तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, काम को सीखना चाहिए। कोई आपके मन में डाउट हो, प्रॉब्लम हो, अपनी अपलाइन से जरूर शेयर करो, क्योंकि वो ही आपको गाइड करेगी। सपोज आपकी अपलाइन भी नहीं हुआ तो उसकी अपलाइन से करो, कहीं ना कहीं कोई अपलाइन होगी ऊपर जाके, उनसे शेयर करो। मेरे ग्रुप वाले मुझसे बात करो, अगर आप शुगर फैमिली का पार्ट हो कभी भी आप मुझे कॉल करो, मेरे पास आओ, मेरे से बात करो, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का आई होप आपने समझा होगा। एक एग्जांपल ले लेती हूँ सेल और मार्केटिंग का, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये एग्जांपल कि जब कोई पिक्चर आती है तब उसका एक पोस्टर आता है सबसे पहले, पिक्चर का पोस्टर, कोई नहीं कहता खरीदो। फिर एक टीजर आता है, फिर उसके बाद ट्रेलर आता है, फिर गाने आते हैं, फिर उसके बाद वो लोग स्टार जाके शोज में कहीं पब्लिक में जाके उसकी पब्लिसिटी करते हैं। वहां पे कहीं आपको जब तक स्टार्स नहीं आते कोई नहीं बोलता आओ भाई हमारी पिक्चर देखो, स्टार्स आते हैं तो वो आपसे पर्सनल, क्योंकि आप उनके फैंस हैं,
तो आके वो लोग हमसे बोलते हैं हमारी पिक्चर देख, यहाँ तक सारा कुछ मार्केटिंग है। बट जब हम पिक्चर देखने जाते हैं, खुद टिकट खरीदते हैं या खुद हम आजकल तो नेटवर्क पे देखते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह पे देखते हैं, तो उसकी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो हम वो खुद देखते हैं, हमें कोई आके नहीं पकड़ता कि आप ये सामान को सेल करो, जाओ पिक्चर देखो, ये दी टिकट, तो हम खुद खरीद के देखते हैं, हमसे कोई कहता है वो पिक्चर बहुत अच्छी है। तो इस तरह से सेल और मार्केटिंग फर्क हो जाती है। आपको मार्केटिंग करनी है, सेल अपने आप हो जाएगी, ठीक है, अगर आप चाहोगे तो। थैंक यू, कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू।